खो जाते हैं। कल दिनांक 31/5/19 को वरिल पुलिस अधीक्षक महोदय को एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि जिसमें ग्राम कोलाद नागपुर थाना अंतर्गत वहाँ पे कुछ लोग डोडा इकट्ठा कर रहे हैं और उसको किसी बड़ी गाड़ी में लोड कर कहीं बाहर भेजने की तैयारी में है। इस संबंध में हम लोगों ने एक विशेष छापामारी दल का गठन किया और छापामारी के दौरान उक्त स्थल पर जब छापामारी की गई तो वहाँ से लगभग 45 बोरा डोडा पाया गया। साथ ही वहाँ से एक बोलेरो पिकअप वैन बरामद की गई। इस छापामारी के दौरान वहाँ से बाकी लोग भागने में सफल हुए, परंतु पुलिस ने छापामारी के दौरान दो लोगों को गिरफ्तार किया और जिनके पास से दो मोटरसाइकिल और दो मोबाइल फ़ोन भी बरामद किया गया है। जो टोटल 45 बोरा डोडा वहाँ से बरामद किया गया उसकी कुल वजन लगभग 700 किलो है। हर बोरे में लगभग 17-18 किलो डोडा है और उसकी जो बाज़ार में संभावित कीमत है वो लगभग 12 से 15 लाख रुपए की संभावना है। दो लोगों की गिरफ्तारी हुई है इस मामले में, उसमें से दोनों लोग दसमपुल थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। जो लोग जिनके बारे में जिन्होंने अपनी संलिप्तता स्वीकार की और बताया कि वो लोग डोडे को आसपास के गांव वालों से इकट्ठा करके और एक बड़ी गाड़ी में लोड करने की तैयारी में थे, लेकिन जिसके पहले ही पुलिस की छापामारी हो गई और वो गाड़ी वहां नहीं पहुंच सकी।